केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। देखिए ये तो जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा खेल है। दिल्ली में एक मंदिर बनने जा रहा है जिसको लेकर उत्तराखंड में काफी बवाल हो रहा है। वो राज्य जहां चार धाम है उसी प्रदेश के तीर्थ पुरोहित मंदिर बनाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर बनने से तीर्थ पुरोहित गुस्से में क्यों हैं? दरअसल जो मंदिर बनने जा रहा है वो भगवान केदारनाथ के नाम से है। ये मंदिर बुराड़ी के हिरनकी में बनाया जा रहा है। इसे केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर 3 एकड़ में बनेगा। ट्रस्ट के मुताबिक केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, इसलिए इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर बनाने के जिम्मे को उठाया है सुरेंद्र रौतेला ने, जो कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष हैं। 10 जुलाई को इस मंदिर का भूमि पूजन समारोह भी किया गया था। इस आयोजन का निमंत्रण पत्र भी जारी किया गया था, उसमें भगवान शिव और केदारनाथ मंदिर की तस्वीर है। वहीं नीचे की ओर सुरेंद्र रौतेला की भी तस्वीर लगी है। लेकिन अब केदारनाथ नाम से दूसरा मंदिर बनाए जाने से तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा है। मंदिर के विरोध में केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर बनाया गया तो वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि सनातन परंपराओं के खिलाफ इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। केदारनाथ मंदिर विवाद और विरोध के बीच केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली के अध्यक्ष ने सफाई पेश की है। सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि दिल्ली में जो मंदिर बनने जा रहा है वो सिर्फ मंदिर है, धाम नहीं, और धामी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, कोई धाम नहीं बन रहा। और इसको हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूं। और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस दिन इसका भूमि पूजन था उस दिन माननीय श्री पुष्कर धामी जी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे वहां पे आए थे। हमने उनको वहां पे भूमि पूजन पे बुलाया था, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि बाबा केदार का धाम दुनिया में कहीं और नहीं बन सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाबा केदार के किसी भी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए तो उससे धाम की महिमा पर कोई भी असर नहीं पड़ सकता। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, केदारनाथ मंदिर के नाम पर दूसरा मंदिर बनना चाहिए या नहीं? साथ ही कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि तीर्थ पुरोहितों का विरोध जायज है या नहीं।